की याद में बनवाया शाहजहां जैसा स्मारक उत्तराखंड का है अजूबा। जब बात उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की होती है तो हमारे मन में सबसे पहले घंटाघर की तस्वीर आती है जो दुनिया में मशहूर है। वैसे तो किसी भी घंटाघर पर चार घड़ियां लगी होती हैं, लेकिन एशिया के इस अनोखे घंटाघर के शीर्ष पर छह घड़ियां लगी हुई हैं। हेक्सागन आकार में होने की वजह से यह दुनिया में अनोखा घंटाघर माना जाता है। यह आर्ट टैको डिजाइन शैली में बनाया गया था, जो उस वक्त की प्रसिद्ध शैली मानी जाती थी। जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए उसकी याद में ताजमहल बनवाया था, वैसे ही जस्टिस बलवीर सिंह के बेटे आनंद सिंह ने उनकी याद में इसे बनवाया था। जब देश को आज़ादी मिली तो उसे यादगार बनाने के लिए घंटाघर को बनवाया गया। इसका शिलान्यास तत्कालीन राज्यपाल सरोजनी नायडू ने किया था। जस्टिस बलवीर सिंह के बेटे आनंद सिंह ने जमीन दान की थी। इस अनोखे घंटाघर की नींव 1948 में रखी गई थी। इसे बनवाने में 5 साल का वक्त लगा था। यह घंटाघर 1953 में बनकर तैयार हुआ, जिसका लोकार्पण देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। उन्होंने इसे उत्कृष्ट कला का नमूना बताया था। इस अनोखे घंटाघर को हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, क्योंकि यह मसूरी, ISBT प्रेमनगर और रायपुर समेत सभी जगहों को जोड़ता है। इस घंटाघर में लगने के लिए इंग्लैंड से घड़ियां मंगाई गई थी, लेकिन अब खराब होने के चलते उसे उतार कर दूसरी घड़ियों को वहां लगाया गया है। इस घंटाघर का निर्माण करना इतना आसान नहीं था। शहर के रईसों की आपसी प्रतिद्वंद्विता की वजह से कोई भी रईस इसे बनवाने नहीं देना चाहता था।